माय किचन। आज मैं बहुत ही सिंपल एक टी टाइम स्नैक बनाने जा रही हूँ, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्नैक है। ये गुजरात और महाराष्ट्र में तो बहुत कॉमनली खाया जाता है, पर हमारे नॉर्थ इंडिया में मोस्टली फास्ट में या नवरात्रों में खाया जाता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साबुदाना वड़ा, और उसके साथ मैं बनाऊंगी एक बड़ी क्विक सी टमाटो चटनी। जनरली ये स्नैक जो है वो डीप फ्राइड बनता है, लेकिन मैं थोड़ा हेल्दी वर्जन बनाऊंगी, और जब तक हमारा वड़ा बनेगा साथ साथ चटनी भी तैयार हो जाएगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो साबुदाना वड़े लेने के लिए मैंने ये साबुदाना लिया है, नॉर्मल साबुदाना है। इसको मैंने 4-5 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। एक ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब ये साबुदाना आपको भिगोना हो तो साबुदाने को आप 3-4 बार पानी से धोइए, जब तक पानी वाइट आना बंद ना हो जाए, उसके बाद आप भिगो दीजिए। और बिल्कुल कम पानी में भिगोइए। 4-5 घंटे भिगोने के बाद देखिए ये साबुदाना ऐसा दिखेगा, हाथ से मसला जाएगा। 2 बड़े आलू, साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिली। मैंने नॉर्मल नमक लिया है, अगर आप फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। साथ में लिए है, ये मैंने मूंगफली ली है, दरदरी पीस ली है, रोस्टेड मूंगफली है। घर पे ही मैंने ड्राई रोस्ट कर ली थी और उसको दरदरा पीस लिया है। 1 नींबू का जूस, कड़ी पत्ता जिसको मैंने धो लिया है, थोड़ा सा घी। चटनी बनाने के लिए मैंने कुछ 2 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया, बिल्कुल आप बिल्कुल रफली चॉप कर लें। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। आप चाहें तो इनमें से कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हैं, और साथ में मैं 1 पिंच हींग भी डालूंगी। तो साबुदाना वड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं साबुदाना को बाउल में ले रही हूँ, साबुदाना मैंने बाउल में डाल देती हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बॉयल्ड पोटैटोस जो कि मैंने अभी बॉयल करके रखे थे, इनको मैं मैश कर दूँगी। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, मैं हाथ से ही मैश कर लेती हूँ। दोनों आलू मैंने मैश कर लिए हैं, इसमें मैं डालूंगी 2 पूरे बड़े भर के चम्मच मूंगफली का पाउडर। ये दरदरा पीसा है तो थोड़ा क्रंचीनेस रहेगी। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, थोड़ी सी रेड चिली। अगर आप फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक और ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं, और साथ में 1 नींबू का जूस। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मुझे कड़ी पत्ता बहुत पसंद है इसलिए मैं इसमें कड़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ। तो बस अब हम इसको साबुदाना और इन सारे इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करके एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। हमारा डो तैयार हो गया है, बस अब हम इसके छोटे छोटे, जनरली ये डीप फ्राइड बनता है लेकिन मैं इसे अप्पे पैन में बनाऊंगी, थोड़ा हल्दी वर्जन, बहुत ही कम तेल में, तो इसलिए मुझे छोटे छोटे बड़े बनाने हैं। आप चाहें तो बॉल शेप में भी बना सकते हैं, चॉइस इज़ अप टू यू। तो ऐसे ये देखिए, ऐसे मैं छोटे छोटे बॉल्स या वड़ा टाइप बना लूँगी। तो मैं ये सारे वड़े तैयार कर लेती हूँ। ये सारे मैंने वड़े तैयार कर लिए, देखिए कुछ मैंने बॉल शेप में बनाए हैं इस तरह से, कुछ मैंने बॉल शेप में बनाए हैं, और कुछ मैंने बिल्कुल वड़ा शेप दिया लेकिन छोटे, बिकॉज अप्पे पैन के साइज़ के हिसाब से मैंने बनाए हैं। अब हम अप्पे पैन को मैंने गर्म होना रख दिया था, इसमें बिल्कुल हल्का सा घी तेल जो भी आप लगाना चाहें वो लगा लीजिए, मैं इसमें हल्का सा घी लगा रही हूँ। अप्पे पैन मेरा गर्म है, इसमें मैं हल्का सा घी लगा के अब इसमें मैं सारे अप्पे बनने के लिए रख दूँगी। सारे वड़े डाल दिए हैं, अब इनको हम ढक के लो से मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जब तक ये अप्पे सिक रहे हैं तब तक मैं चटनी शुरू कर देती हूँ। टमाटर की ये बहुत ही क्विक सी चटनी है, बस जब तक 5 मिनट में हमारे वड़े तैयार होंगे ये चटनी तैयार हो जाएगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, चढ़ा दिया है पैन में, तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर हल्का सा जब स्प्लैटर करेगा, बस ये जीरा पाउडर हमारा स्प्लैटर कर गया है,
इसमें मैं डालूंगी थोड़े से कड़ी पत्ते, ऑप्शनल है कड़ी पत्ता, आपकी चॉइस है, आप डालिए, नहीं डालना चाहते बेशक मत डालिए। अब मैं इसमें रफली चॉप्ड टमाटोज डाल दूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं करना है हमें। इसमें मैं डालूंगी हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली, तकरीबन 1 टीस्पून मैं डालूंगी धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, अ पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्दी थोड़ी सी, और हाफ टी स्पून ही मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला, एंड दैट्स इट। बस इसको भी अब हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये देख लेते हैं कि हमारे बड़े तैयार हो गए हैं कि नहीं। ये देखिए कितने अच्छे सिक रहे हैं, तो अब हमको चारों तरफ से सेक लेने हैं। ऐसे ही मैं एक एक करके सारे बड़े पलट दूंगी ताकि दूसरी साइड से भी सिक जाएं। ये देखिए जब तक हमारे बड़े हो रहे हैं तब हम अपनी टमाटर की चटनी देख लेते हैं। ये देखिए जब तक हमारे साबुदाना बड़े सिक रहे हैं दूसरी साइड से, हमारी टमाटर की चटनी भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये बस हमको टमाटर पकने तक इसको गलाना है। जो छोटे मोटे चंक्स रह भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा लगे कि टमाटर हार्ड है आपका, तो आप जस्ट 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के इसे पका सकते हैं। बस ये बनने वाली है, इसको 1 या 2 मिनट हम और पकाएंगे। मैश कर लीजिए हल्का हल्का। चटनी को भी मैंने टेस्ट किया था, थोड़ी तीखी लग रही थी, तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब शुगर डाल रही हूँ। चॉइस आपकी है, आप तीखी खाना चाहते हैं तो। देखिए हमारी चटनी एकदम बन के रेडी है, बस इसको 1-2 बार हिलाएंगे। और मैंने अपने पैन भी बंद कर दिया है, हमारे वड़े भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, और बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया, अब पे हमारे साबुदाना वड़े हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे साबुदाना वड़ा और टमाटर की चटनी झटपट तैयार हो गई है। तो आप इसे इवनिंग स्नैक की तरह खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, जैसे भी। तो अब बारी है एक टिप की। टिप के लिए आज टमाटो की टिप देती हूँ। अगर आपको टमाटर लंबे समय तक स्टोर करने हो तो आपको टमाटर को आगे से इस तरफ से इस तरह आप रखिए सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे, तो आपका टमाटर लंबे समय तक स्टोर रहेगा। और दूसरी टिप है टमाटर को ही लेके, अगर आपको टमाटर को किसी ग्रेवी में डालना है और क्विकली आपको इसका इसको पील भी करना है, तो आप बस एक काम करिए, एक क्रॉस में कट लगा दीजिए, क्रॉस में कट लगा दीजिए चाकू से हल्का सा, और इसे 1 मिनट माइक्रोवेव कर लीजिए, और आराम से आप इसका छिलका छील सकते हैं। लाइक माई रेसिपीज, इफ यू लाइक माई टिप्स, प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी, कैसे बने आपके साबुदाना वड़ा। कल शाम की चाय के साथ फिर हो जाए साबुदाना वड़ा।